हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। फिलहाल दोस्तों अभी हम हैं वाराणसी के रामनगर फोर्ट में, जो कि ये काफी पुराना किला माना जाता है। तो इस फोर्ट में आप सभी को कुछ पुरानी ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, आप सभी को यहाँ के फोर्ट का भ्रमण कराते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में इन तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों किले के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए हम अंदर की तरफ चल रहे हैं और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, जो कि आप देख सकते हैं। दो टिकट दीजिए। और दोस्तों इस किले के अंदर के म्यूजियम को अगर देखना चाहते हैं तो आपको टिकट लेना होगा, जो कि वयस्क के लिए 80 रुपये है और फॉरेन कंट्री वालों के लिए 200 रुपये है, बच्चों के लिए 20 रुपये शुल्क लगाया गया है। तो फटाफट से पहले हम टिकट लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम टिकट ले लिए हैं, हम दो लोग हैं, तो 160 रुपये का हमारा टिकट पड़ा हुआ है। तो चलिए अब यहाँ का भ्रमण कराते हैं। ये देखिए दोस्तों इस किले के अंदर का दृश्य कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, तो यानी कि इधर सब म्यूजियम बनाया गया है। और इसके राइट साइड में ये सब जो एरिया देख रहे हैं, ये मकान, ये सब म्यूजियम वाला एरिया है, जहाँ पर बड़ी बड़ी पुरानी कारें रखी गई हैं, गन रखे गए हैं और शेर या फिर चीते के कह लीजिए खाल रखी गई है। इसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ संगीत संबंधी या फिर पुराने जो राजा महाराजाओं का वस्त्र होते थे, जो हथियार होते, वो सब देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ का ये सभी म्यूजियम है। ठीक है, तो फिलहाल म्यूजियम के फोटो खींचने के लिए अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इमेज के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है साइकिल, जो कि 1893 के आसपास की ये डिजाइन है, जो कि आधुनिक साइकिलों की तुलना अगर इससे करें तो काफी सारी कमियां नजर आती हैं। दोस्तों अगले नंबर पर है घोड़ा गाड़ी, जिसका शेप और डिजाइन अलग अलग तरीके से हुआ करता था, जिसे एक्का, बग्घी या रथ भी कहा जाता था। दोस्तों यदि आप शहरों में ध्यान दिए होंगे तो कुछ इसी प्रकार से आज के समय में रिक्शा दिखाई देते हैं। दोस्तों आज की तरह ही पहले के समय में भी एक लग्जरियस कारें चलती थी, जिसको आप देख रहे हैं, इसका नाम मिनर्वा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 टाइम फायरिंग करने वाली शॉर्ट गन रखी गई है, और यहाँ पर लंबी नली वाली राइफलें कुछ इस प्रकार से रखी गई हैं, जो कि हमको यहाँ पर 1 मीटर से भी लंबी राइफल देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पर और भी पुराने समय के लग्जरियस कारें रखी गई हैं, जो कि आप देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो कि हमें लगता है कि पहले के राजाओं द्वारा इन सभी यंत्रों का इस्तेमाल कुछ ही दूरी तक जाने के लिए किया जाता रहा होगा। और यहाँ पर पहले के राजा और रानियों के मुकुट कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चीते की हकीकत खाल है, जो कि हमने देखा हुआ है, और यहाँ पर हाथी के दांत भी रखे गए हैं, जो कि आप अभी देख रहे हैं। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे, जिसे पालकी कहते हैं, जो कि हमें लगता है पहले के समय में रानियों के लिए एक स्थान पर दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो फिलहाल दोस्तों अब हम चलते हैं गंगा नदी का दर्शन करने के लिए, जो कि इस किले के दूसरे साइड में है, जो कि किले के अंदर से ही कुछ इस तरीके से गुफा टाइप का रास्ता बना हुआ है, तो उसी के माध्यम से हम चलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम फोर्ट के अंदर से होकर गंगा नदी के किनारे पा चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है गंगा नदी, और यहाँ से फोर्ट का दृश्य कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे बोट्स भी खड़े हुए हैं और नैया भी है, कुछ लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, ये देखिए। और इसके सामने ठीक देख सकते हैं और भी मंदिर हैं, और शायद इसके ठीक थोड़ा सा दाहिने साइड में यहाँ पर देखेंगे तो राजा हरिश्चंद्र घाट है, जो कि नदी के दूसरे साइड में है। हो सकता है टाइम मिलेगा तो हम आप सभी को वहाँ पर भी ले चल के दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये तोप का प्रोटोटाइप है, ये शायद ओरिजिनल वाला तोप है। हाँ ओरिजिनल वाला है। इसमें क्या है ये देख सकते हैं, लकड़ी का लगाया हुआ है, और इसके पीछे साइड में
कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म है, किस तरीके से वार करता था हमें तो नहीं मालूम है। ठीक है, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है, तो आइए थोड़ा सा पास से देखते हैं। ये देख सकते हैं जो व्हील होता था पहले लकड़ी का हुआ करता था, जो कि इसकी लकड़ी थोड़ा सा ख़राब हो गई है, ये देखिए। और ले जाने के लिए कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म होता था, जो कि अभी के टाइम पे जो ट्रैक्टर से टाली जुड़ता है कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म बनाया गया है। और पीछे किस तरफ कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगाया गया है, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। हमें लगता है कि इस वाले ढक्कन को इधर से खोला जाता था, यहाँ पर बारूद भर के फिर आग वग लगाया जाता था, कुछ ऐसा हुआ करता था। यहाँ पर लकड़ी भरा हुआ है शायद। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम इस किले के बाहर आ चुके हैं, हमें उम्मीद है आप सभी को यहाँ के जो नज़ारा दिखाया आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।